हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन से एक और क्वेश्चन। इवेल्युएट इंटीग्रेशन सी मॉड जेड डी जेड वेयर सी इज़ द अपर हाफ ऑफ द सर्किल, मॉड जेड इज इक्वल्स टू 1। तो चलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। बाय द डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, क्या होता है फॉर ए कर्व इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड इज इक्वल्स टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी सिग्मा आर इज इक्वल्स टू 1 टू एन फंक्शन एफ ऑफ ई आर जेड आर माइनस 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं, वेयर ई आर इज एनी पॉइंट ऑन द आर्क जॉइनिंग द पॉइंट्स जेड आर माइनस 1 एंड जेड आर। हेयर हमारे फंक्शन में इंटीग्रेशन सी मॉड जेड है, तो फंक्शन एफ जेड क्या है, एफ जेड इज इक्वल्स टू है मॉड जेड के बराबर। दिस इंप्लाइज दैट फंक्शन ई आर क्या होगा, मॉड ऑफ ई आर होगा, जिसकी क्योंकि मॉड जेड की वैल्यू 1 है तो ई आर की वैल्यू भी 1 हो। फॉर सर्किल मॉड जेड इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि ई आर भी इसी सर्कल पर लाई करेगा, तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं सिंस ई आर लाइज ऑन द यूनिट सर्किल, सर्किल मॉड जेड इज इक्वल्स टू 1। चूँकि यहाँ पर दिया गया कर्व सी अपर हाफ ऑफ सर्किल मॉड जेड इज इक्वल्स टू 1 है, तो चलिए इन पॉइंट्स को हम इसके सर्किल पर बनाते हैं। तो चलिए इसे एक फिगर देख लेते हैं यहाँ पर। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं एक अपर हाफ सर्कल है मॉड जेड इज इक्वल्स टू 1 जो हमने प्लॉट किया है। तो इस सर्कल पर बहुत सारे पॉइंट्स लाई करेंगे, जिसमें सबसे पहला पॉइंट जेड ज़ीरो नेगेटिव एक्स एक्सिस पर लाई करेगा, जेड ज़ीरो इज इक्वल्स टू 1। इसके बाद बहुत सारे पॉइंट इस सर्कल पर लाई करेंगे, इन्फिनिट पॉइंट्स हो सकते हैं ये, तो ये Z1, Z2, Z3, Z4 ऐसे करते हुए आगे लास्ट में कहीं ना कहीं पर ये एक ZR पॉइंट लाई करेगा और वहीं आसपास एक ER पॉइंट भी लाई करेगा वहाँ पर। उससे पहले यहाँ पर कहीं ZR माइनस 1 पॉइंट भी होगा और अंत में एक पॉइंट मिलेगा जेड आर इज इक्वल्स टू 1 ऑन एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर ई आर पॉइंट हमेशा जेड आर माइनस 1 एंड जेड आर के बीच में लाई करता है, तो यहाँ पर हमने जैसे शो किया है सर्किल पर ई आर जेड आर माइनस 1 एंड जेड आर के बीच में है, कहीं पर भी हो सकता है ये। तो इस फिगर से हमें जेड एन की वैल्यू मिल गई, जेड एन इज इक्वल्स टू 1 एंड जेड जीरो इज इक्वल्स टू माइनस 1। ना ये वैल्यूज हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन सी मॉड ऑफ जेड डी जेड इज इक्वल्स टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी सिग्मा आर इज इक्वल्स टू 1 इंटू 1 जेड आर माइनस 1 लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी सिग्मा आर इज इक्वल्स टू 1 टू एन, वैल्यू ओपन कर देते हैं, क्या मिलेगा, जेड वन माइनस जेड जीरो प्लस जेड टू माइनस जेड वन प्लस एंड सो ऑन जेड एन माइनस वन। तो यहाँ पर जेड वन से जेड वन कैंसिल आउट होगा, ऐसे ही ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या मिलेगा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी जेड एन माइनस जेड जीरो
चूँकि हमको जेड एन माइनस जेड जीरो दोनों वैल्यू पता हैं तो वैल्यू पुट कर देते हैं। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी जेड एन की वैल्यू 1 माइनस जेड जेड जीरो की वैल्यू माइनस वन, तो क्या मिलेगा? दिस इम्प्लाइज दैट इंटीग्रेशन सी मॉड जेड डी जेड इज इक्वल्स टू 2। सॉल्व। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। मैथ और साइंस से रिलेटेड ऐसी ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।